ये घनघोर जंगल है जहाँ पे हम लोग, फिसलन काफ़ी है और ये पत्तियाँ जो ऊपर पड़ी हुई हैं इससे फिसलने का पूरा खतरा, पैर दबा दबा के चल रहे हैं हम लोग। और हम लोग एक गडरी गांव की तरफ जा रहे हैं जो शायद ऊपर सड़क से जाते हैं हम लोग, काफ़ी लंबा पड़ता है शॉर्टकट, और पहाड़ के गांवों को समझने, रास्तों को समझने के लिए हम लोगों ने शॉर्टकट अपनाया है। और शॉर्टकट कितना मुश्किल भरा है, जिसमें पूरा खतरा है फिसल कर गिरने का। वो कुछ साथी काफ़ी नीचे पहुंच गए हैं। भाई जरा रुकियो, हम लोग भी आ रहे हैं, साथी साथ लेके चलना। दुर्गम रास्ता है राणा जी काफ़ी, हाँ जी बहुत। यहाँ आपको ध्यान से थोड़ा सा, हाँ। अरे दीपदार रुकिए भाई, ऐसा लगता है मैं वीडियो फिल्म बनाने के चक्कर में जंगल एडवेंचर का पिछड़ रहा हूँ। ऐसा ना हो कि पीछे से आके मुझे कोई भेड़िया वड़िया खा जाए। और ओह, रोड का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं आजकल लोग, मेरे को लगता है। हाँ लगता है पहाड़ के लोग भी अब अपने इंट्रेडिशनल रास्तों से नहीं आते हैं, शायद चढ़ाई उतराई में। जैसा कि हम लोगों ने देखा एक जगह कि एक मास्टर साहब जो पहाड़ के हैं उनका पेट काफ़ी निकला हुआ था, पूछा भाई आप तो पहाड़ के हैं आपका पेट कितना क्यों निकला है, तो उन्होंने बताया कि वो बाइक है, बाइक से स्कूल जाते हैं, स्कूल से बाइक से ही घर आते हैं, शाम को दारू पीते हैं, तो पहाड़ में रह के भी उनकी जीवन शैली पहाड़ियों वाली नहीं है, तो उनका भी काफ़ी पेट वेट निकल रहा है, लंबा चौड़ा पेट। हालांकि उनको देख के तसल्ली हुई कि हम मैदानी जो है मैदानियों से मुकाबला कर रहे हैं पहाड़ के लोग। तो भाई समीर जी कहाँ उतर गए? ये बांझ, बांझ का पेड़ क्या होता है? बांझ क्या बोलते हैं इसको? बांझ क्या होता है? बांझ तो वैसे अच्छा पेड़ है जो पानी को ऊपर को खींचता है, नमी बना। अच्छा ये वाला जो पेड़ है? हाँ ओके। जो धरती के अंदर का डैम होता है ना उसको नहीं रखता है, मतलब जो वाटर लेवल है। हाँ जी हाँ, ये ऊपर से पानी खींच के नीचे ले जाते हैं। हाँ जी हाँ, नहीं नीचे से ऊपर ले जाते हैं, ऊपर से नीचे ले जाते हैं। देखिए हमारे साथी समीर जी इस जंगल में फोटोग्राफी कर रहे हैं और कुछ तस्वीरें कैद कर रहे हैं इस यात्रा के रोमांचक क्षणों की। लेकिन मुसीबत मेरे पे है कि वीडियोग्राफी के चक्कर में सबसे पिछड़ रहा हूँ। और भाई समीर जी अद्भुत रास्ता है ये। समीर जी हम लोग कहाँ जा रहे हैं इस समय? अच्छा गडरी, तो ये रास्ता यूज नहीं होता है क्या? देखिए जंगलों के बीच में है, यूज भी होगा तो पत्ते गिरते रहेंगे, पतझड़ वाले पत्ते हैं, और पत्ते जब गिरेंगे तो एक रोड के ऊपर गिरेंगे इसलिए आप फिसलते जाएंगे। ग्रामीण इसमें आदि है इसलिए पता मुझे जाना है। ओके आप डंडे को आगे देखते हुए चले तो नहीं गिरेंगे डंडे को इस, नहीं इस डंडे से टेक से काफ़ी मदद मिल रही है। मैं तो सोच रहा हूँ, हाँ आप गिरेंगे नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि एक डंडा दिल्ली में भी ले जाऊँ, इस दिल्ली से तो आपकी निशानी है, दिल्ली में भी डंडा से ही चलूँ जो है टेक टेक के। वाह अब थोड़ा सा हम लोग जंगल से बाहर आए हैं और लाइटिंग से दिख रही है ये देखिए, और हम लोग ये कितना घनघोर रास्ता छोड़ के आए हैं। कहाँ जा रहे थे वो पहले? ये छोटा सा पहाड़ी रेस्ट हाउस बना है। नेचुरल एसी, दोपहर में जो खाना खाए थे हम लोग पच गया पूरा। हाँ बिल्कुल, अगर मिल जाए तो, लेकिन पता नहीं कौन पिलाएगा, पर्ची तो है नहीं। प्रणाम।
भाई चाय पीनी होगी बेदर बोल देना, गांव हमारे हैं सारे। दीपदा इधर देखिए, अरे इधर देखिए भाई दीपदा, उनका फाइनल फाइनल कमेंट चाहिए था उनका जो है। नहीं मैं चाह रहा था कि भाई आप जिन उबड़ खबड़ रास्तों की अगुवाई कर रहे हैं तो दीपदा बहुत कर्मठ और उत्साही है।